सो हेलो एवरीवन वन गुरुकुल पे आपका अगेन सुवेल वेलकम है तो जैसा कि आप लोग को पता होगा झारखंड उत्पाद सिपाही का फॉर्म फिलअप डेट उसका ख़त्म हो चुका है और बहुत ही जल्द उसका जो रिजेक्शन लिस्ट है वह जारी कर दिया जाएगा बट इसके अलावा और भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं चाहे वह पी का एग्जामिनेशन हो डिप्लोमा स्तरीय का एग्जामिनेशन हो या फिर हम लोग सी का एग्जामिनेशन हो ये जो बड़ी बड़ी भर्तियाँ हैं जैसे सी जैसी इनका जो एक्सपेक्टेड जो एग्जामिनेशन का डेट है वह एग्जामिनेशन का डेट एक्सपेक्टेड डेट दे चुका है बट वहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं उत्पाद सिपाही का तो उत्पाद सिपाही का जबकि इससे पहले इसका फॉर्म फिलअप हुआ है लेकिन इसका एक्सपेक्टेड डेट नहीं दिया गया है तो आप लोगों को ज़रा सा भी डोंट वरी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है यदि हम लोग इसका देखते होंगे कैलेंडर में तो जुलाई से सितंबर तक आप लोगों का इसमें रनिंग डेट दिया गया है बट आज आप लोगों को पूरा स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कर दिया जाएगा कि कब तक आपकी रनिंग होने की संभावना है और मैं आपको ये समझिए कि एक प्रूफ के तौर पर ये एक समझाने वाला हूँ कि ये ये इस प्रकार की अभी स्थितियाँ हो रही है जिस कारण से आप लोगों का जो एग्जामिनेशन का बात करते हैं कि अभी होने में थोड़ा डिले है एग्जामिनेशन यदि हम लोग बात करते हैं रनिंग एग्जामिनेशन की तो रनिंग जैसा कि जुलाई से लिखा गया था सितंबर, जुलाई तो अब इन होने वाला है अब तो यहाँ पे हो सकता नहीं है अगस्त मंथ का भी यदि हम लोग बात करते हैं तो अगस्त में ना होने की संभावना है अगस्त में भी परसेंटेज एक परसेंट होने की संभावना है यानी कि पॉसिबिलिटी देखा जाए तो नाइन्टी नाइन परसेंट पॉसिबिलिटी है कि अगस्त माह में भी आप लोग का रनिंग नहीं होगा इसके कई सारे फैक्टर हैं पहला फैक्टर यदि हम लोग बात करते हैं तो पंद्रह अगस्त जैसा कि ये आप समझते होंगे पंद्रह अगस्त तो इस पंद्रह अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो भी बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं वहाँ पे आप लोग को पता होगा कि परेड होता है या फिर झंडा तोलन सम्मेलन होता है कब पंद्रह अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झंडा तोलन की जो कार्यक्रम होती है वह बड़े बड़े ग्राउंड में परेड होता है वहाँ पर तो ये सबसे बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि पंद्रह अगस्त तक तो ना ही होने की प्रबल संभावना है और अगले पंद्रह दिन में देखा जाए तो वैसा नहीं है कि वहाँ पे हो जाता है और वहाँ तुरंत आप लोग के लिए ग्राउंड तैयार कर दिया जाएगा एक से दो सप्ताह का ज़रूर समय लगेगा वहाँ पे ग्राउंड होने का तैयार होने का क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे सभी जिला में जो भी बड़े बड़े ग्राउंड है वहाँ पे भेजा जाता है नोटिस कि आपका ग्राउंड खाली है कि नहीं क्योंकि आप देखते होंगे इसमें सबसे पहले रनिंग है और रनिंग फॉर्म फिलअप की बात करते हैं तो पाँच छः लाख के कैंडिडेट के समथिंग फॉर्म फिलअप किए हैं इनमें यदि हम लोग मान लेते हैं कुछ दस पंद्रह परसेंट ही यदि फॉर्म रिजेक्शन होता है तो बाकी उसके अलावा भी बात करते हैं तो तीन चार लाख कैंडिडेट का रनिंग करवाना आप लोगों को लगता है तीन चार लाख कैंडिडेट की रनिंग कितनी समय लगेगा और वो भी एक घंटा का रनिंग है वो आप समझ सकते हैं इसकी कंपेयर यदि हम लोग आर्मी से करते हैं तो आर्मी का देखते होंगे कि आर्मी का भी ठीक इसी प्रकार सबसे पहले रनिंग होता था अब तो एग्जामिनेशन कर दिया गया है तो रनिंग होता था उस समय देखते हैं आपकी पंद्रह बीस दिन वहाँ पर रनिंग चलता था जबकि उनका सिर्फ चार सोलह सौ मीटर का ही होता था वैसे तो उसमें मेडिकल सब कुछ इंक्लूड रहता था बट इसमें सिर्फ आपका रनिंग है तो एक घंटा का समय रनिंग है और वहाँ पे देखते होंगे कि एकाध दिन में कितने सारे इतना फास्ट प्रोसेस होने के बावजूद भी वहाँ पे कितना होता है आर्मी का दौड़ आदि आप लोग अटेड किए होंगे तो पता ही होगा कि कितना वहाँ पे प्रोसेस फास्ट होती है सो और पुलिस की दौड़ है तो आपको पता ही होगा किस प्रकार से प्रोसेस होने वाला है सो तो अगस्त में ना ही मान के चल के आप लोग को रनिंग होना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को रनिंग अभी नहीं करना है रनिंग आप लोग कीजिए बट उतना ही नहीं दो तीन किलोमीटर समथिंग पाँच किलोमीटर के समथिंग अभी रनिंग कीजिए और जैसे ये अगस्त महीना का समाप्त होता है तो सितंबर में प्रबल है कि और बहुत ही जल्द आप लोगों को ये नोटिस भी दे दिया जाएगा एक्सपेक्टेड रनिंग डेट का कि किस दिन आप लोगों का रनिंग करवाई जाएगी तो उम्मीद आप लोग चल के बना के रखिए चलिए कि सितंबर अक्टूबर में आप लोग का रनिंग होगा और यदि सितंबर अक्टूबर में आप लोग की रनिंग कंडक्ट करवाई जाती है तो आप लोग ये मान के चलना है कि एक दो मंथ का बीच में समय दिया जाएगा और नवंबर दिसंबर में ही आप लोग का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा तो उत्पाद सिपाही जो कैंडिडेट है आप भी आप लोग रनिंग में उतना फोकस नहीं करना है रनिंग में तीन चार किलोमीटर के समथिंग आप लोग दौड़िए और अधिक से अधिक आप लोग रिटेन में फोकस कीजिए रिटेन भी आप लोगों का नवंबर से दिसंबर एग्जामिनेशन में कंडक्ट करवा ही लिया जाएगा तो बड़ा नोटिस यदि हम लोग बात करते हैं तो वो ये है आप इसको देख सकते हैं ये कार्यालय जिला समाधेश झारखंड गृह रक्षा वाहनी बोकारो की तरफ से नोटिस आया है यदि आप लोग को जानकारी नहीं होगा तो मैं आप लोग को सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन कर देना चाहता हूँ यदि हम लोग बात करते हैं बोकारो में तो बोकारो में आप लोग को पता होगा कुछ दिन पहले होमगार्ड की भर्ती निकाली गई थी और वहाँ पे डेट जारी किया गया था रनिंग का डेट बीस जुलाई से होने वाला था वहाँ पे रनिंग का डेट तो देखिए यहाँ पे बीस जुलाई कब होने वाला था बीस जुलाई और पंद्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस जो रनिंग दौड़ है क्योंकि वहाँ पे मोहन मंगलम स्टेडियम में दौड़ होना था देख सकते यहाँ पे तो 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम क्योंकि बोकारो में वो बड़ा स्टेडियम स्टेडियम ही मान के चल सकते हैं हम लोग वो ग्राउंड है बोकारो जिला के अंतर्गत तो वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने के कारण इस चीज़ को यहाँ पे डिले कर दिया गया है वो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पुनः इसका जो डेट है वह पुनः जारी किया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक 20 जुलाई को होने वाला था और कितना इधर देख सकते हैं 25 दिन 25 दिन का समय था 20 समय है नहीं इधर जी 10 दिन और इधर 15 15 नहीं एग्जैक्ट हम लोग दो तीन दिन यदि टेंट टेंट क्या एक दो दिन में तो वहाँ ग्राउंड तो तैयार ही हो जाता है तो ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल अभी तीन दिन लगते हैं ग्राउंड तैयार होने में तो देख सकते हैं यहाँ पे 20 से 25 दिन उनके पास समय था और वह भी होमगार्ड का रनिंग करवाना था तो होमगार्ड का रनिंग कितना दिन लगभग करता है दस पंद्रह दिन लगभग ही करता है प्रखंड वाइज तो देख सकते हैं यहाँ पे दस पंद्रह दिन ही लगता था और इनके पास समय था बीस से पच्चीस दिन बीस से पच्चीस दिन का समय था उसके बावजूद भी इस रनिंग डेट को एक्सपेंड कर दिया गया है इस रनिंग डेट को और एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया है वैसे तो डेट जारी नहीं किया गया है बट देख सकते हैं पच्चीस दिन समय होने के बाद उस चीज़ को डेट एक्सटेंड कर दिया गया है तो आप समझिए जब पंद्रह अगस्त हो जाएगा तो वह पंद्रह ही दिन में वह ग्राउंड तैयार नहीं हो जाएगा उसके पहले सभी जिला कार्यालय में नोटिस भेजा जाएगा उधर से रिप्लाई आएगा दिन ग्राउंड तैयार होगा उसके बाद देखते हो कि चीप क्या सिस्टम लगा होता है वो सारे सिस्टम तैयार किए जाएंगे उसके बाद ही आप लोग का रनिंग होगा तो रनिंग होने में इस कारण से ये डिले हो सकता है और यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप लोग का रनिंग अगस्त में ना के ही बराबर होने वाला है लेकिन प्रबल संभावना है कि सितंबर अक्टूबर माह में आप लोगों की हंड्रेड परसेंट रनिंग होगी और सितंबर अक्टूबर में रनिंग जैसा कि इसका भी एक मंथ तो रनिंग चलेगा ही चलेगा मिनिमम मान के चलिए बीस से पच्चीस तीस दिन इसका रनिंग चलेगा और नवंबर दिसंबर में संभावना है कि आप लोग का एग्जामिनेशन हो जाएगा तो खैर यही इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना था कई सारे जो कैंडिडेट है वह कमेंट भी लगातार कमेंट यह करते जा रहे थे कि कब तक हम झारखंड एक्साइज जो उत्पाद सिपाही है उसका रनिंग होगा तो आई होप आपके सारे डॉट इसके रिगार्डिंग क्लियर हो चुके होंगे कि किस कारण से आप लोग का रनिंग अभी डिले हो रहा है सो और उसका नोटिस भी नहीं जारी हो रहा है नोटिस आई थिंक जहाँ तक समथिंग लगता है कि पंद्रह अगस्त के बाद आप लोग का नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि वहाँ पे देख के कि कोई भी फेस्टिवल या कुछ भी नहीं है उसके अकॉर्डिंग आप लोग का नोटिस जारी कर दिया जाएगा तो बस यही इन्फॉर्मेशन आपके इस सेशन में देना था बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी आपको क्यूरीज करना है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं